साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत कैसे हर काम में पटिपत्ति की प्रेरणा शामिल है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पटिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की इस भावना को दुनिया देख रही है, समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। और मैं मानता हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है। ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है।